प्रदेश में जहां कोरोना बीमारी के सबसे अधिक मामले हमीरपुर जिला में आए थे, तो वही हमीरपुर जिला में कोरोना से जंग जीतकर घर जाकर स्वस्थ लौटने पर भी हमीरपुर ने बाजी मार ली है। जिला में अब तक 124 कोरोना संक्रमण के मामले कुल सामने आए हैं, जिसमें एक्टिव मामले अब 45 ही रह गए हैं, जबकि 78 लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं, जो कि प्रदेश में सबसे बड़ा आंकड़ा है। जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के लिए बेहतरीन कार्य के लिए बधाई दी। जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने बताया कि जिला हमीरपुर में 1 में 15 दिन के अंदर करीब 100 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए थे, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा चुनौतीपूर्ण कार्य करते हुए कोरोना संक्रमित लोगों का सही उपचार करते हुए स्वस्थ करके घर भेजने में कामयाबी हासिल की है। हमारे पास हमें टोटल जो केसेस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं वो 124 हुए हैं। आउट ऑफ 124 78 केसेस हमारे रिकॉर्ड हुए हैं, और अभी जो हमारे सैंपल्स जा रहे हैं उसमें फॉलोअप्स के लिए सैंपल्स जा रहे हैं जो होने हैं। तो मैं सभी जो हेल्थ टीम और जो सभी इसमें लगे हुए हैं सभी को बधाई देना चाहूँगा। और मतलब पिछले 15 दिन में ये केसेस एकदम से आए, उसके बाद दो जगह में जो DCC डिस्ट्रिक्ट कोविड सेंटर है, कोविड केयर सेंटर है, वहाँ जो दुग्गा में हुआ हमारा पहला, दूसरा हमने NIT में किया, फिर वहाँ हेल्थ की पूरी टीम ने दो जगह उसमें वर्क कर रही थी। कुछ पेशेंट हमने भोटा शिफ्ट किए जो हमारा सेकंड आइसोलेशन फैसिलिटी है। तो इस तरीके से जो बड़ा चैलेंजिंग टाइम था, इसमें चाहे वो हेल्थ की टीम है, चाहे वो लैंड ऑर्डर पुलिस की टीम है, चाहे वो सफाई में लोग लगे हुए हैं, या डिफरेंट जगह पर जो इनको ट्रेसिंग में जो टीमें हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में है या स्क्रीनिंग में है, तो सभी ने बड़ा अच्छा काम किया है। और इनफैक्ट ये बड़ी अच्छी बात है कि सारी मोस्ट ऑफ की, क्योंकि आउट ऑफ 124 अभी जो हमारे पास उसकी 78 रिकवर हुई, एक बेहतर रिपोर्टेड है, 45 केसेज है। तो अभी सारे उसमें फॉलो कर रहे हैं हम लोग, किस तरह से टाइमली ब्रेकफास्ट है, आफ्टरनून में किस तरह से है, मेडिकल चेकअप करना है, किस तरह की सारी चीज़ें हैं। तो हेल्थ की टीम उनके साथ साथ बड़ा अच्छा काम कर रही है, उनको सभी को बधाई देना चाहूँगा। और सभी जो उनको पुशअप भी करते रहे हैं, जो सपोर्टिंग हैंड हो, चाहे वो लेफ्ट हो, तो एक हमारे टफ फेज था और उसको हम लोग इजीली टीम उसमें वर्कआउट कर रही है, तो अच्छी बात है। गौरतलब है कि हमीरपुर जिला में कोविड से संक्रमित लोगों के उपचार के लिए राधा स्वामी चैरिटेबल अस्पताल बोटा ऑफ साइंस सदन डुग्गा और NIT कोविड केयर सेंटर बनाया गया है।